विमल भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे जीवन धन श्री कृष्ण के अनुराग राग में रंजित श्रोता और वक्ता दोनों ही, भीष्म पितामह भी और श्री युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी महाराज ने एक प्रश्न किया, ये चार नाम गिनाए और चार नाम गिना करके कहा कि जीव को किसका आश्रय लेना चाहिए, ये समझने लायक है। बांधवाः कर्म वित्तं वा प्रज्ञावे पितामह नरस्य का प्रतिष्ठा स्यात् एतत् प्रष्टो वदस्व मे। चार नाम है, बांधवाः अपने परिवार के लोग, कर्म अपना कर्म, वित्तः वित्तम धन, और प्रज्ञा बुद्धि। ऐसा लगता है कि बिना आश्रय के किसी के काम बनेगा नहीं, कोई ना कोई आश्रय चाहिए। तो इन चार में किसका आश्रय लेना चाहिए? ये परिवार वाले लोगों का, बेटा का, बेटी का, बहू का, माता पिता का, बंधु बांधव का, इनका आश्रय, अथवा चलो इनका आश्रय न लो तो कर्म का आश्रय लो कि सब कुछ कर्म से होता है, हम सब कुछ अपने आप करेंगे, अपनी व्यवस्था अपने आप। कर्म का आश्रय अथवा वित्त का आश्रय, धन का आश्रय, या फिर बुद्धि का आश्रय, प्रज्ञा का आश्रय। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानाम प्रज्ञा लाभ परो मतम। ये प्रज्ञा में ही सभी भूतों की प्रतिष्ठा है और प्रज्ञा लाभ ही सबसे बड़ा लाभ है। भगवान ने अर्जुन को जब दान दिया, ददामि बुद्धि योगम, तब ये बुद्धि योग का दान, प्रज्ञा में ही परम धन समाया हुआ है। प्रज्ञा ही निःश्रेय है और प्रज्ञा स्वर्गो मतः सताम, ये प्रज्ञा ही स्वर्ग है, ऐसा सज्जन लोगों का मत है। आप लोगों ने सुना प्रज्ञा प्राप्तितार्थो ही, प्रज्ञा की प्राप्ति के बाद बलि को अपना खोया हुआ ऐश्वर्य मिल गया, सब कुछ चला गया था, किंतु बलि को प्रज्ञा के आधार पर ही सब कुछ मिल गया। प्रहलाद का सब कुछ चला गया था, प्रज्ञा के आधार पर मिल गया। और आपने देखा कि मंकी मुनि, उनके पास तो कुछ था नहीं, किंतु यदि प्रज्ञा का आश्रय लिया तो वो भी आनंद में हो गए, वो भी सुखी बन गए। भीष्म पितामह कहते हैं इस विषय में, अत्र अपि उदारहंतीम इतिहासम पुरातनम। मैंने देखा किसी कथा को ये कहते हैं तो ये जरूर कह देते हैं ये इतिहास है पुरातन, ये इतना चरण हमको लगता है जितना अभी तक मैंने देखा है कम से कम हमको 200 बार तो मिला होगा इतना चरण। ये कहते हैं अत्रापि उदारहंतीम, यहां पर मैं एक उदाहरण के रूप में पुरातन इतिहास सुनाता हूं। ये पुरातन इतिहास कौन था? बोले कश्यप और इंद्र का संवाद है। ये कश्यप और इंद्र कहां इनकी मुलाकात हो गई? बोले एक बार ये कश्यप बड़े विद्या के संपन्न, तपस्या से संपन्न, जा रहे थे रास्ते में,
इतने में महाराज कोई वैश्य धन संपन्न व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होकर जा रहा था, अभिमान से भरा हुआ, और उसके रथ ने महाराज ऐसा धक्का मारा कि रथेन पातया मास, उनके रथ के कारण ये कश्यप जी महाराज गिर गए। और यह व्यापार उसके महाराज केवल श्रीमान वो वैश्य के अभिमान के कारण हुआ था। हम लोग महाराज कई बार अनुभव करते, आप देखना, ये अमीरों को लगता है कि गरीबों को चलना नहीं आता है। गाड़ी कभी चला के जा रहे हो, बड़ी गाड़ी में बैठे हो और कोई बेचारा रोड पार कर रहा हो तो कहेंगे महामूर्ख है, ऐसे आना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। मैं देखता रहता हूं बैठे बैठे, रोज का काम है उनको। महाराज अमीरों को लगता है कि गरीबों को चलना आता ही नहीं, इनको चलना सिखाया नहीं गया है, कब कहां से आ जाते हैं, क्यों बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, बड़े अभिमान में भरे हैं। ऐसे महाराज इन गरीबों को लगता है कि अमीरों को किसी की परवाह नहीं है। बड़ा सामंज, ये भेद रहा है सदा और सदा से रहेगा। हमने धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज के द्वारा लिखित राम राज्य ओम मार्षवा, पूज्य जस स्वामी जी महाराज के अनुग्रह से मैंने दो बार पढ़ा उसको, बड़ा विशद ग्रंथ है पूज्य कर्पात्री जी महाराज का। तो मार्क्सवाद पर जो विशद चर्चा की है, मैं तो कई बार विचार करता हूं कि विश्व में यदि किसी राष्ट्र के पास कर्पात्री जैसा महापुरुष होते कर्पात्री जी महाराज, तो हां तो सर माथे लेते उनको, वो कोई सामान्य फिलॉसफर नहीं थे। मत दिया है सारे विश्व के दर्शनों को, मैं तो दांतों तले उंगली दबाता हूं कि इसी प्रतिभा कहां से है। तो मार्क्सवाद का जो उन्होंने चिंतन किया है, मैं भी रखूंगा नहीं, तो लोगों को लगता है कि सब बराबर हो जाए, अमीर गरीब बराबर हो जाए, सब एक जैसे हो जाए, ये कभी ना हुआ है न कभी होगा। हां इस नारे के तले पर कुछ नेता लोग अपनी रोटी जरूर सेक लेंगे, पता नहीं गरीब लोग अमीर होंगे कि नहीं होंगे, ये नेता लोग जरूर अमीर हो जाएंगे, इनकी दुकान बढ़िया गर्म हो जाएगी कि समता हो, सब बराबर हो। कभी न स्वर्ग में बराबर है, न नरक में बराबर है, न यहां बराबर है, ये सब प्रारब्ध के आधार पर सबका जीवन संचालित होता है। इसलिए समता की बात केवल विचार की दृष्टि से हो सकती है, ब्रह्मात्मिक की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि में गरीब और अमीर रहेंगे ही रहेंगे। तो अब हुआ क्या, कश्यप महात्मा को जब धक्का लग गया, इनको चोट लग गई, और इन्होंने कहा रे ये देखो हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास धन नहीं है, इसलिए हमको लोग ऐसे मारते हैं, अगर मेरे पास धन होता तो निश्चित रूप से मेरी आज ये दशा नहीं होती, मुझे ये अभिमान से मार करके नहीं जाता। बड़े आर्त हुए, आर्त सब पति तक क्रुद्ध कुपित भी हुए, और कश्यप विचार करने लगे कि जीवन जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, जो देखो धक्का मार जाता है, तो जीवितार्थो न विद्यते, अब जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, अर्थ ही नहीं है, क्या जीना है। और महाराज मरने के लिए जंगल में जाकर एकांत में बैठ गए कि अब कुछ खाऊंगा नहीं और शरीर छोड़ दूंगा। गरीब आदमी को इतना कष्ट होता है, धक्का मार के जाते हैं लोग। जब बैठ गए तो इंद्र श्रगाल रूपेण बवासे लुब्धमान सम, आहा, इंद्र जान गए कि धन का लोभ इसके मानस में है, इसके लिए लगता है कि बिना धन के काम नहीं चलेगा, और इसके कारण ये मरने के लिए आया है। तो श्रगाल बन करके गए और कश्यप के सामने जाकर के कहा, मनुष्योनि मिक्षन्ति सर्वभूतानि सर्वशः। अरे महाराज आपको क्या कहें, सहज मिल गया है, इसके लिए आपको कीमत नहीं है।
अमर लोक के देवता भी मर करके भारत में जन्म लेना चाहते हैं। पंचम स्कंद, और बड़े बड़े देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बने। इंद्र भी चाहता है कि हम मनुष्य बने, और हमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, हमको इसकी कोई कीमत नहीं है। और बोले तो मनुष्यों में ब्राह्मण हो श्रेष्ठ, साधक हो, और तुमको लगता है कि हम मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। सर्वे लाभा साभिमाना इति सत्यवती श्रुति। श्रुति भगवती कहती है कि सर्व लाभ उसी को होते हैं जो संतोषी है, और लोभ तो अनर्थ का हेतु है। कभी तुमने विचार किया, कभी तुमने सोचा, कभी सोचना एकांत में बैठ करके, अहो सिद्धार्था तेसाम एसाम संती है पाणया। हम तो जितने जंतु हैं, बड़ा विशद वर्णन है नारायण, बोले कि हमारे तो हाथ ही नहीं है। हमको मच्छर काटते हैं तो हम मच्छरों को उड़ा नहीं सकते हैं, हमारे शरीर में कीड़े हो जाते हैं तो हम कीड़ों को हटा नहीं सकते हैं, हमारे हाथ ही नहीं है। कितनी बार हम झाड़ियों में घुसते हैं तो कांटे चुभे होते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, किंतु हाथ न होने के बाद मैं उनको निकाल नहीं सकता हूं। महाराज कभी विचार करना, गायों को भी कैंसर होता है, गाय आपस में झगड़ जाती है तो सींग सींग से लड़ी और सींग का भाग हिल गया, उसके नीचे मवाद पड़ गया, फिर वो कैंसर बन जाता है, और भयानक पीड़ा है। अब जरा कभी विचार करना, आप सोचना इन पशुओं को कितनी पीड़ा होती है, खाने की पीड़ा, बोलने की पीड़ा, सब कष्ट। हम लोगों के यहां तो गांव का शरीर है तो वर्षा काल में जब गाय आती थी, डांस आते थे इतने बड़े बड़े, मच्छी ये मक्खियों से दो दो तीन तीन चार चार गुना बड़े। महाराज आकर के जब बैठे पशु पर और खून पिए, किंतु हाथ नहीं तो हटा नहीं सकते। उन्होंने कहा हम जंतुओं के हाथ नहीं है और तुम्हारे दो दो हाथ हैं, और तब भी तुम दुखी होते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। आप कभी निहारना, ये सारे के सारे रोग वृक्षों को भी होते हैं, वृक्ष भी रोगी होते हैं, किंतु उनके भी हाथ नहीं है। मनुष्य को छोड़कर के बंदरों को भले ही हैं, तो तुम तो हाथ वाले हो, हाथ वाले। और अतीव स्प्रिहे तेसाम तेसाम संतीह पाणया, दो दो हाथ तुम्हारे हैं, उसके बाद क्या स्प्रिया करते हो, उसके बाद आत्महत्या करने के लिए बैठे हो। अत एसाम पुनः पाणी देव दत्तौ दशांगुलिम, ये तुम्हारे पास दस उंगली वाले हाथ हैं, उसके बाद तुम इतने दुखी हो रहे हो। देखो एक बात कहें, मनुष्य शरीर मिल गया है, एतावान अपि लाभेन, सबसे बड़ा लाभ तो तुम्हें यह मिला है कि मनुष्य शरीर मिला है। भैया दुर्लभो मानुषो देहो, देहिनाम दुर्लभ, ये मानुष शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, ये मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। और ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुए हो, इससे बड़ा लाभ और क्या चाहिए तुम्हें। ब्राह्मण का शरीर, दो हाथ मिले हैं, स्वस्थ हो। इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि व्यक्ति निरोगी हो, नींद आती हो समय से, भूख लगती हो समय से, इससे ज्यादा और क्या चाहिए।
और दो दो हाथ तुमको मिले हैं। किम पुनर्थोसी सत्वानाम सर्वेशाम ब्रह्मणोत्तमम, सभी वर्णाश्रमों में तुम उत्तम हो। और उसके बाद तुम सोच रहे हो कि अरे कई बार हम लोग जिनके पास में हाथ नहीं, श्रृगाल कहता है, वो लोग भी आत्महत्या करने को नहीं सोचते हैं। क्यों आत्महत्या करने को नहीं सोचते हो? बोले मध्य वही पाप योनि नाम सरगलिम याम में हम गता हा, मर जाने के बाद पता नहीं कौन और पाप योनि मिल जाए। हम लोग समझते हैं, कई बार लोगों को यह जानकारी नहीं है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि आत्महत्या कर लो तो दुख से छूट जाओगे। ये दुख से छूटने का रास्ता आत्महत्या नहीं है। दुख छूटने का रास्ता एकमात्र है भगवत प्रबोध। जब तक नहीं होगा, चाहे इस जन्म में करना, चाहे जन्म जन्म के बाद करना, व्यक्ति से व्यक्ति के जीवन में संपूर्णता दुख की परिसमाप्ति बोध से ही होने वाली है। नहीं तो बार बार ये दुख का झमेला चलता रहेगा। अरे बाबा, कपड़े बदल देने से, ध्यान रखना, कोई दुख समाप्त नहीं हो जाता है। ये कपड़ा भाई पहने तो दुखी हैं, तो दूसरा कपड़ा पहन लेंगे तो सुखी बन जाएंगे। कपड़ा बदलने से थोड़ी कोई सुख दुख का संबंध है। शरीर एक कपड़ा ही है। अगर तुमने इसको छोड़ दिया जबरदस्ती, आत्महत्या करोगे तो और प्रेत आदि योनियों में जाओगे, और कष्ट होगा। कई तो महाराज योनियों में पड़ता हूं तो आश्चर्यचकित रहता हूं, प्यास लगती है किंतु पानी पी नहीं सकते हैं, भूख लगती है किंतु खा नहीं सकते हैं। उनका सुई के बराबर मुख है, इतना सुई जाए, अब योनि है वो। तो तुमको लगता है कि हम आत्महत्या कर लेंगे और आत्महत्या करके हम सुखी हो जाएंगे। अरे बाबा, अगर सुखी होना चाहते हो तो एक काम करो। मैं मानता हूं कि तुमको अभिलाषा है धन की। अच्छा, एक व्यक्ति को यदि धन खूब मिल जाए, मनुष्यताम ह्याढ्यतमा प्राप्य, मानो उसको धन खूब मिल जाता है, तो धन मिल जाने के बाद फिर उसको लगता है राज्य मिले, राजा बने। अभी तो हमारे पास धन है, अब मैं राजा बनूं। और राजा यदि बन जाता है तो दैवत्वम प्राप्य, उसको लगता है मैं राजा बन गया। ये बड़े बड़े राजा लोग अश्वमेघ यज्ञ क्यों करते हैं कि अब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग का राजा बनेंगे। अभी यहां के राजा थे, इस राजा के राजपद में सुख नहीं है। तो खूब यज्ञ करो, पुण्य करो, फिर मर जाने के बाद कहा कि हम देव बनेंगे, देवत्वम प्राप्य, देवता रूप प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद देवता बन जाने के बाद लगता है कि मैं इंद्र बन जाऊं। एक छोटा आदमी चाहता है, मैं कई बार देखता हूं, एक गरीब आदमी को लगता है कि एक मकान हो जाए बस, हमारा हमारे सर पर छाया हो जाए, ऐसे बोलते हैं, सर पे छाया हो जाए, फिर हमको कुछ लेना देना नहीं है। और छाया वाले सोचते हैं कि महाराज एक बढ़िया सी कोठी बन जाए, और कोठी वाले सोचते हैं कि हनुमानगढ़ी में तो बनी बनी है, कम से कम वृंदावन भी बन जाए, ये कामना है। फिर अमुक बन जाए, अमुक बन जाए, यहां बन जाए, वहां बन जाए। तो कहा यह मत समझना कि तुमको थोड़ा धन मिल जाएगा तो धन मिल जाने के बाद तुम सुखी बन जाओगे। बाबा, सुखी बनना का यदि कोई साधन है तो नैव तृष्येत तथा सती, जब तक तुम्हारे चित्त में तृष्णा है तब तक ये सुखी बनने नहीं देगी। ये तृष्णा देती है दुख, इसलिए यदि कुछ मिटाना है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, मुझे आज कई श्लोक इतने बढ़िया लगे। उन्होंने कहा, एक तो तृष्णा मिटाने के साथ साथ एक बात और भी आप सबसे कहें, अपनी तुलना मत किया करो किसी के साथ।
ये तुलना भी बहुत कष्ट देती है। हमारे कई मित्र हैं, कहते हैं महाराज साथ पढ़े थे, अब तुम तो कहां पहुंच गए, मैं तो यहीं अटका हुआ हूं। और वैसे तो बोले मैं बहुत सुखी हूं, मेरे से आज एक हमारे मित्र कह रहे थे, बोले वैसे तो मैं बहुत सुखी हूं किंतु जब तुमको सुखी देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं। मेरे को लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं पाया आज तक, हम तो वही महाराज बने रहे नून तेल लकड़िया में। हमको लगा ये तुलना भी बहुत कष्ट देने वाली है। किसी से अपनी तुलना मत करो, ना अपने परिवार वालों से, ना अपने भाई से, ना अपने बच्चों से, ना माता पिता से, ना सत्संगियों से। भगवान ने तुमको अकेला बनाया, तुम जैसे तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। हम जैसे हम ही हैं, हमारे से दूसरा कोई नहीं है। ये सब इकाई इकाई अपने अपने अलग अलग ढंग से रचना हुई है, तो जैसे वो हैं वैसे हम बने ये क्यों प्रयास है? जितना उनके पास है हमारे पास भी होना चाहिए, क्यों प्रयास है? प्रयास ये किया जाए कि चित्त से हमारी ये तृष्णा छूटे। न तृप्यति विप्रलाभेस्ति तृष्णा नाभि सम महाराज प्रशाम्यति। जिसके जीवन में तृष्णा है वह सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। इन्होंने कहा जैसे कोई पक्षी पालने वाला व्यक्ति पिंजड़े में पक्षी कैद रखता है, ऐसे आप ही भी इस बुद्धि और इस इंद्रियों को अपने पिंजड़े में कैद रखो, संयम में रखो इनको। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा बढ़िया उदाहरण है। न द्वितीयस्य शिरश्छेदम् भिन्न विद्यते क्वचित्। अपना दूसरा सर कटने का कभी डर होता है आपको कि हमारा दूसरा सर कट जाएगा? क्यों सुभाष जी? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरा है ही नहीं। हमारा दूसरा सर कोई काट देगा इसका डर हमको कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता हमको? क्योंकि दूसरा है ही नहीं। ऐसे ही ना